सभी भाइयों को राम राम भाई, अदाब, सलाम वालेकुम। ठीक है, आज की जो वीडियो है कबूतर की मिट्टी के ऊपर है। कबूतर को आपने अंदर से स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, बाहर से तो आप उसको दाना पानी बहुत अच्छा खिला रहे हैं, लेकिन अपने अंदर से भी उसको स्ट्रॉन्ग करना है। तो देखिए, आपने लाना क्या है मिट्टी बनाने के लिए। आपने दो पीली ईंट लेके आनी है, मतलब जितनी ज़्यादा पुरानी ईंट होगी आपकी, कहीं पर मकान बन रहा हो आपके आस पड़ोस में, आप वहीं से भी ले सकते हैं। दो ईंटें लेकर के आनी है, उसमें आपने लेना है 2 किलो नमक, काला नमक लेना है, उसमें लेनी है 250 ग्राम आपने काली मिर्च। ठीक है, और लेने आपने 8 मुर्गी के अंडे जो छिलके होते हैं, उसके पूरा अंडा नहीं लेना, उबला हुआ अंडा लेने नहीं लेना, या फिर कच्चा अंडा नहीं लेना है आपने, उसके छिलके लेने हैं। ये सारा आपने कूट लेना है और मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद में देखिए आपने कबूतर को देना है। इनसे होगा क्या क्या, देखिए जो काला नमक है मिट्टी है, वो अंदर से उसका हाजमा ठीक करेगी, और जो काला नमक है वो जो उसका पोटे वगैरह में, जैसे कि काफ़ी पुराना दाना हो जाता है, वो सड़ने लग जाता है, उसका पोटा स्ट्रॉन्ग रहेगा, उससे हाजमा अच्छा होगा। इन चीज़ों से अगर आपके कबूतर का हाजमा अच्छा होगा तो उसको बीमारियां नहीं लगी, आपकी भी अगर अंदर से इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहेगी तो काफ़ी बीमारियां ऐसा है कि आपको लगी होंगी और ठीक भी हो गई होंगी, आपको खुद को नहीं पता लगेगा। अगर आज की डेट में आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो भी आपके अंदर बीमारियां निकाल देगा। ऐसी कबूतर है, हल्का सा परिंदा है, छोटा सा 100 ग्राम का 50 ग्राम का परिंदा होता है। अंदर की इम्यूनिटी सिस्टम जितना ज़्यादा इसका स्ट्रॉन्ग रहेगा, जितना आप अच्छा रखेंगे इसको, उतना ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा है कि कबूतर आपका बीमार नहीं होगा। और उसको बीमारी नहीं लगेगी तो आपको दवाइयाँ देने की ज़रूरत नहीं है। 4 ईंटें आपने लेनी है। ठीक है, 4 ईंटों में आपने 2 किलो नमक लेना है और 4 अंडे लेने हैं और 250 ग्राम काली मिर्च लेनी है। सारा मिक्स करके आप देंगे, मेरे ख्याल से 15 से 20 दिन आपका ईजिली चल जाएगा। आपको लगता है कि आपका नहीं चल पा रहा, ज़्यादा बढ़ाना है, तो क्वांटिटी आप इस हिसाब से डबल करते रहिए। आपके पास ज़्यादा कबूतर हैं, 100 हैं या 150 हैं, तो आपको 10 दिन में ख़त्म कर देंगे ये। लेकिन अगर आप ये चीज़ करेंगे तो आपका कबूतर सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, किसी भी टाइम आपको दे सकते हैं इन कबूतरों को, पूरे 12 महीने का मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इससे ज़्यादा चीज़ें भी होती है, उसमें हल्दी भी होती है, उसमें आपका अजवाइन भी होती है, शहद भी होता है, तेल भी होता है, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन ये सब कर नहीं पाते हैं, इसलिए मैंने आपको छोटी सी चीज़ बताई है। ये हर एक कोई भाई कर ले, क्योंकि देखिए उसकी लागत बहुत ज़्यादा भी लग जाती है, तो हर एक कोई नहीं कर पाता उसको अफोर्ड, तो मैंने आपको छोटी सी चीज़ बताई, ये कोई भी भाई कर लेगा, उसके बजट में भी आ जाएगा इजीली। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर वीडियो समझ में आई हो तो सिर्फ चैनल को अपने सब्सक्राइब करना, हो सकता है आने वाली वीडियो आपके समझ में आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।